फ्रेंड्स, आज हम शेयर करेंगे बहुत ही झटपट बनने वाले और बहुत ही कुरकुरे मूंग दाल से बनने वाले पकौड़े, वो भी केवल 15 मिनट में। इसके लिए हम दाल को बिल्कुल भी नहीं भिगोएंगे, अदरवाइज तो पहले दाल को 5-6 घंटे पहले भिगोते हैं फिर पीसते हैं, तो आज हम बिना दाल भिगोए ही इसके क्रिस्पी से पकौड़े तैयार करेंगे जो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हैं और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें। ये ऐसे पकौड़े हैं कि अगर आपके घर कोई मेहमान आ जाए ना तो आप झटपट तैयार कर सकते हैं बहुत ही जल्दी से। तो चलिए ये झटपट बनने वाले पकौड़े तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर धुली हुई मूंग की दाल ली है 1 कप। इस दाल को आप देखिए, बिल्कुल धुली हुई मूंग की दाल है और मैंने इसे भिगोया नहीं है बिल्कुल भी, अदरवाइज तो पकौड़े बनाने से पहले ही हम तैयारी शुरू कर देते हैं, दाल को 5-6 घंटे पहले उसे भिगोएंगे, वो फूलेगी तब हम उसके पकौड़े बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम इस कच्ची दाल से ही बिना भिगोए ही आज पकौड़े तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने दाल को एक बर्तन में डाल लिया है और इसे हम 3 से 4 बार अच्छी तरह से धो लेंगे, बिल्कुल साफ पानी आने तक हम इस दाल को अच्छी तरह से धो लें। तो यहाँ पर मैंने दाल को आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से धो लिया है और अब हम इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो हम मिक्सर जार में डाल लेंगे इसको और इसका पेस्ट तैयार करेंगे। जो ये हम दाल पीसेंगे, थोड़ा हम इसे दरदराई रखेंगे, बहुत बारीक पेस्ट नहीं तैयार करेंगे। और अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप पानी और थोड़ा सा पानी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। इसी कप के पानी को मैं पूरी दाल के पकौड़े बनाने में यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पर दाल को एक बार पीस लिया है तो आप काफ़ी टाइट हो गई है ये दाल, और अभी मैं चेक कर लेती हूँ काफ़ी मोटी भी है, तो काफ़ी दाना है इसके अंदर क्योंकि ये दाल कच्ची थी, हमने इसे भिगोया नहीं था, तो इसे पीसने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल रहे हैं और एक बार फिर से इसे पीस लेंगे। हमें बहुत हल्का दरदरापन दाल में चाहिए ताकि दाल हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो बहुत ही कुरकुरी और क्रिस्पी सी बन जाए। तो देखिए दाल में अब बिल्कुल ठीक है, इतना ही मुझे कुरकुरापन चाहिए, हल्का हल्का दाना दाल में है अभी, बहुत बारीक पेस्ट मुझे नहीं तैयार करना है पकौड़े बनाने के लिए। तो ये दाल पिस गई है और अब हम इसे एक बड़े बाउल में डाल लेंगे। हमें इस दाल को बहुत बारीक नहीं पीसना है क्योंकि हमें बहुत ही क्रंची सा टेस्ट इन पकौड़ों में चाहिए जो बहुत ही एक अलग टेस्ट देगा। तो ये सारी दाल मैंने इसमें बड़े बाउल में पलट ली है और अब ये जो हमारी जार में काफ़ी दाल लगी हुई है तो हम इसे वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छी तरह से इसे निकाल लेंगे पानी को और उसी दाल में मिक्स कर लेंगे, इससे हमारी दाल का पेस्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अब हम इसे पेस्ट को एक बार मिक्स कर लेते हैं पानी डालकर। तो अब मिक्स करने के बाद मैं इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख देती हूँ और पकौड़े बनाने की बाकी तैयारी कर लेते हैं हम, क्योंकि हमने दाल को भिगोया नहीं था। तो अब हमने यहाँ पर लिए 8 से 10 काली मिर्च। तो अब हम इन काली मिर्च को हल्का सा दरदरा कूट लेंगे, हमें काली मिर्च का पाउडर नहीं चाहिए, इसका फ्लेवर पकौड़ों में बहुत ही अच्छा आता है, तो इसलिए हम हल्का सा इसे क्रश करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्रश कर ली है इस तरह से। अब हमने लिया है यहाँ पर 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 2 से 3 हरी मिर्च कटी हुई, तो इन्हें भी हम क्रश कर लेंगे। इसको ना तो अदरक को और हरी मिर्च को दोनों को मिलाकर जब हम क्रश करते हैं तो इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो बहुत अच्छी तरह से हम इन्हें क्रश कर लेंगे। अगर आप क्रश करके डालते हैं पकौड़ों में तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो देखिए इस तरह से मैंने क्रश कर लिया है और दोनों चीज़ों का फ्लेवर बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर मैंने प्याज को भी थोड़ा मोटा काट लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक काट लिया है। तो इस तरह से हमने अपनी सारी तैयारी पकौड़े बनाने के लिए कर ली है। तो अब हम जो ये बैटर तैयार किया था मूंग दाल का, उसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए हम इसे अब 5 मिनट तक बहुत ही अच्छी तरह से फेंट लेंगे जिससे कि हमारे पकौड़े थोड़ा सॉफ्ट हो जाएं और फ्लफी हो जाएं। दाल का जब हम फेंटेंगे 5 मिनट तक तो आप चेक करेंगे कि इसका कलर हल्का सा लाइट हो गया है और दाल को फेंटते फेंटते आप फील करेंगे कि थोड़ा हल्की हो गई है, फेंटने में बहुत ईजी हो गई है। तो उस कंडीशन तक हम इसे फेंट लेंगे क्योंकि हमने दाल को भिगोया नहीं है, तो अब हम किस तरह से इसके सॉफ्ट पकौड़े तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह जब हम इसे 5 मिनट तक फेंटेंगे तो हमारे पकौड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो ये एक मेन टिप्स है पकौड़े बनाने के लिए कि अगर आप बिना भिगोए दाल के पकौड़े बना रहे हैं और उसे अच्छी तरह से फेंट लेते हैं, देखिए किस तरह से फ्लफी हो गई है और कलर भी लाइट हो गया है।
तो अब हम इसमें सभी चीजें मिक्स कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट मिक्स किया है। इसमें जो काली मिर्च पीसी थी, क्रश की थी, वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दी है। प्याज भी और हरा धनिया भी, सभी चीजें इसमें डाल देंगे। हरा धनिया हम थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में डालेंगे कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अब हम इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैंने इसमें लाल मिर्च का यूज नहीं किया है क्योंकि मैंने काली मिर्च और हरी मिर्च का यूज किया है। ये 2 पिंच डाला है, 2 चुटकी हींग, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। 1/2 टीस्पून लिया है बेकिंग पाउडर। अब ये सभी चीजें मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर लेते हैं कि मुझे काफी देखिए थिक लग रही है अभी, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और मिक्स कर देती हूँ। तो यहां पर मैंने इसमें थोड़ा पानी और मिक्स किया है। देखिए अब फिर से हम चेक कर लेते हैं कि इसी कंसिस्टेंसी तक हमें इसका बैटर चाहिए। तो अब जो पानी हमने लिया था वो 1-2 चम्मच ही बचा है, सारा पानी यूज हो गया है। तो तेल भी मैंने गरम कर लिया है और अब हम अपने पकौड़े इसमें छोड़ देंगे। मीडियम हीट पर हमने तेल को गरम किया है। तो पहले मैं चम्मच से डाल रही हूँ, आप इस तरह चम्मच से भी पकौड़ों को कढ़ाई में छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें कोई शेप नहीं होती है। अगर आप हाथ से नहीं छोड़ना पसंद करते हैं तो आप चम्मच से भी छोड़ सकते हैं, पर मैं यहाँ पर एक देसी स्टाइल जो अपना होता है पकौड़े छोड़ने का, हाथ में लेकर उसी तरीके से सारे पकौड़े कढ़ाई में छोड़ रही हूँ। तो आप दोनों तरह से पकौड़ों को कढ़ाई में छोड़ सकते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, मीडियम से लो फ्लेम पर हम ये सारे पकौड़े तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने सभी पकौड़े कढ़ाई में छोड़ दिए हैं और अब हम इन्हें पलट लेंगे। आप देख सकते हैं साइज में डबल हो गए हैं क्योंकि हमने इसे इतनी अच्छी तरह से फेटा था कि बहुत ही फ्लफी बने हैं और गोल्डन होने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। देखिए इस समय पर गैस का फ्लेम थोड़ा लो कर दें ताकि अच्छी तरह से अंदर तक पकौड़े सिक जाएं, अदरवाइज तो बाहर से कलर आ जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसीलिए लास्ट में जब लाइट गोल्डन कलर हो जाए तो गैस का फ्लेम लो कर दें और लो फ्लेम पर पकौड़ों को सेक लेंगे। आप देखिए अच्छे गोल्डन कलर में आ गए हैं और बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं, देखने में बहुत टेस्टी, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप इंस्टेंट मूंग दाल पकौड़े तैयार कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज के पकौड़ों की रेसिपी पसंद आई है तो मुझे जरूर लिखकर बताएं कि आपको ये कैसे लगे और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें। मैं यहाँ पर एक पकौड़ा आपको दिखा देती हूँ कि कितना सॉफ्ट है अंदर से और बाहर से कितना क्रिस्पी है। देखिए आपको देखने में ही पता चल रहा होगा कितना क्रिस्पी है पकौड़ा, और देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट और फ्लफी बिल्कुल आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से ये पकौड़े फ्राई हुए हैं और इंस्टेंट पकौड़े, केवल 15 मिनट में आप मूंग दाल के पकौड़े तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे इसी तरह की नई और इजी रेसिपी के साथ।